अभी अभी हम लोग रेणुकूट से पहले हैं और एक अच्छा दर्शनीय स्थल मिला है। तो रेणुकूट से आगे डाला डाला का मंदिर आ गया है, हम लोग डाला में पहुंच गए हैं। काफी सुंदर मंदिर है, विशाल मंदिर। तो अभी हम लोग कौन सा शहर है, मारकुंडी। मारकुंडी है और इसकी चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है। ये घूम घूम के ये पहाड़ को चढ़ना है, तो चलिए देखिए कैसे चढ़ते हैं। हम लोग अभी मारकुंडी में आके रुके हुए हैं। हम मारकुंडी से लगभग अभी 150 किलोमीटर है अपना इलाहाबाद, और यहाँ पे आके हम लोगों ने खाना खाया और खाना खा के थोड़ा सा सेल्फी हो रहा है। पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इलाहाबाद यहाँ से 219 किलोमीटर है। आ गए हम लोग अब प्रयागराज। प्रयागराज पहुंच चुके हैं और गेट हाउस का पुल है, सामने है करोड़ों के अपनी R15 से करोड़ों के घुसते हुए, और हम आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे काफी अच्छा दृश्य है, काफी अच्छा वातावरण लग रहा है। यहाँ पे लोग कुंभ दर्शन को आए हुए हैं और काफी अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पे रोड भी बालू पे लोहे का प्लेट रख के बनाया गया है। पहुंच चुके हैं कुंभ मेला पे। अब यहाँ सुबह का वक्त है, यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ है। इधर नहीं है, आगे उस पुल पे है। ये देखिए विदेशी है, अपना बटुआ बांध के रखा है कहीं खो ना जाए। यहाँ पे स्कूल में लाखों करोड़ों की भीड़ चल रही है। नागा बाबा लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं, अब जाएंगे हम लोग नागा बाबा लोगों। चलिए देखते हैं नागा बाबा मिलते हैं कि नहीं। Thank you.
क्रॉस करेंगे तो काफी अच्छी पुल का निर्माण किया गया है यहाँ पे तैरती हुई। वाह, ये जो इसमें है काफी सारे पंछी बैठे हैं, थोड़ा सा समतल है पानी के बीच में। और यहाँ पर पंछी भी अलग अलग देशों से कुंभ स्नान करने को आए हुए हैं, और आप लोग हैं कि अपने घर में बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ लाखों के श्रद्धालु कुंभ स्नान करते हुए अपना अपना पाप धो रहे हैं यहाँ पे सभी श्रद्धालु। ओ बाबा, दलिदर भगाओ तो लगाओ डफला लेकर। आपके सारे भक्त स्नान ध्यान कर रहे हैं, और नहाने के बाद यहाँ पे कपड़ा बदलने के लिए व्यवस्था दी गई है। लोग काफी श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं, बहुत बहुत ही भक्ति भाव है लोगों के मन में जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह का वक्त है और सभी लोग नहा रहे हैं। ये देखिए विदेशी ढेर सारे कपड़े लादे हुए, और हमारे बाबा बिल्कुल नंगे पुंगे, जो कि विदेशी कंफ्यूज हैं कि बाबा नंगे क्यों हैं। हमारे बाबा तो अब क्या जाने कि पूजा पाठ की व्यवस्था में लगे हुए, और विदेशी फोटो खींच रहे हैं बाबा के। लगता है ये भी अपने देश में जाके नंगा बाबा बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास। ये देखिए दीपक पटेल हमेशा दान पुण्य के धर्म में लगे हुए होते हैं। कितना दिया भाई? 20 रुपया। हमेशा ये गरीबों के देख के एकदम पैसा लुटाते रहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कुंभ 2019 और आ गए हम लोग संगम, जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती जी का मिलन है, और यहाँ पे सरस्वती जी लुप्त हो जाती हैं, और यहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे। अभी हम लोग गंगा, रुको भाई रुको, बहुत ठंडा है, आ जाओ ले भी बच्चा ना आ रहा। अभी हम लोग गंगा जी में नहाएंगे, और अब डुबकी लगाने वाले, बहुत ठंडा पानी है, मस्त ठंडा पानी है। जय हो, आग भी ताप रहे हैं पानी में, ये देखिए आग के सहारे। डुबकी मारते हैं, अरे कितना वाली पानी है। रुको रुको रुको, एक आवाज एक आवाज बचा, एक लास्ट बचा है, चलो चलो। तो हम हैं गंगा जी में, गंगा जी में चल रहा है स्नान। हम लोग तो नहा लिए, लेकिन अब हम लोग अपनी बाइक को भी कुंभ स्नान करवा दें। इतनी दूर आई बेचारी आई है, तो नहाना तो बनता है बाइक का भी। तो हम लोग अपनी बाइक को नहलाएंगे अभी, अच्छे से नहाओ, अच्छे से। रात्रि के समय कुंभ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है रात्रि के समय कुंभ का नज़ारा। और हम
भीड़ में जाते हुए काफ़ी लोग आए हुए हैं कुंभ में, और रात के समय कुंभ घूमने का कुछ अलग ही मज़ा है। बहुत ही अच्छा दृश्य रहता है रात को, जो कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छा। और हम नगा बाबा के लोगों की तरफ जा रहे हैं। अभी हम नहाएंगे इस पानी में, गंगा जल। ये हैं नागा बाबा, जो कि भगवान शिव के आराधना में लीन हैं। बहुत ही घोर तपस्या में लीन लग रहे हैं। इनको अभी डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा, तो हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे साधु लोग भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो बाबा है, झूला वाले बाबा, ये कभी अपने झूले से नहीं उतरते हैं, लेकिन लैट्रिन बाथरूम तो करने जाते ही होंगे। लगता है कि इनके झूले में लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था लगी हुई है, तभी तो नहीं उतरते। हम आ गए हैं साउथ इंडियन शिव मंदिर। ये बहुत ही अच्छी मंदिर है, अब इसको देखेंगे हम लोग। प्रयाग कुंभ मेला लाइव प्रसारण कर रहे हैं।